हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे डज द पर्सन इन योर माइंड मिस यू और नॉट। तो जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको अभी मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस पर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है अपनी लव लाइफ के बारे में तो आप मुझसे रीडिंग बुक करवा लें। रीडिंग कैसे बुक करवाएंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर मेरे को DM करें रीडिंग के लिए, और प्राइजेस और डिटेल सब मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर ही मुझे मैसेज करना। ओके, चलिए अब रीडिंग पर आते हैं और जानते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है पहला। टू ऑफ वांड्स, एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ से है। ओके, यहाँ से भी मैं एक दो कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए, फिर आपको बताती हूँ। ऑल राइट, हनीमून, रोमांटिक फीलिंग्स, कोडिपेंडेंसी, एक कार्ड और लेते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यहाँ से एंगेजमेंट का भी कार्ड है। ओके, गाइस, ये पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, ये आगे तो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। 50% माइंडसेट इसका आपके लिए प्रिपेयर्ड है, बट 50% नहीं है अभी भी, ठीक है? ये पर्सन आपको मिस करते हैं? यस, यस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यस बोलूँगी, बिकॉज वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड विद दिस कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सॉरी, लेकिन इस पर्सन को सही टाइम और राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि ये पर्सन किस तरह से आपको अप्रोच करे, कैसे आपसे बात करे। बिना बात किए देखो उसकी हालत कैसी होती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपको कांटेक्ट कर ले। मुझे लगता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दो दो यहाँ पे कम्युनिकेशन के कार्ड हैं। तो ये पर्सन अपने माइंड में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको, आपसे बात करें, आपको कांटेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन इस कनेक्शन को चांस देना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आपकी किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ये पर्सन अब वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है? और इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कुछ कोडिपेंडेंसीज हैं, लाइक एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन के साथ, थोड़े से इश्यूज हैं, बट ये इसको क्लियर करेंगे, बिकॉज़ ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हालांकि स्टक है कहीं ना कहीं, ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा अब आपको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नोर करके ये खुद भी उदास है, परेशान है। आप देख सकते हैं ये उदास है यहाँ पर भी। तो ये पर्सन के दिल में, इस पर्सन के दिल में अभी भी आपको लेकर काफ़ी सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं और अभी भी आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर सोच रहे हैं। इसकी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं आपके लिए। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो। दैट इज़ वाई ये आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है?
तो ये कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं कि यस आपके पर्सन आपको मिस तो करते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको, देखो अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपको ट्रिप के लिए बोला हो कि हम हॉलीडेज़ पर जाएंगे, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी हो सकता है कि आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो बाहर जाने का, घूमने का, सो दैट आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। कुछ इस तरीके का भी मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है, बिकॉज़ दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक, सॉरी गाइज मेरी आवाज़ के लिए, दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स मुझको दिख रही हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या तो आपने बोला या आपके पार्टनर ने बोला, लेकिन आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी एक एम्परर, यानी कि थोड़ा सा इस पर्सन को अभी भी ईगो वाले प्रॉब्लम्स हैं, लाइक काफ़ी रूड है ये अभी भी, बट स्टिल ये आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें धीरे 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 मुझे लगता है फेवर में आएगी। आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में, तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ से था ना, बॉटम द डेक से, और देखो यहाँ से भी ना रिट्रीट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड भी यही बता रहे हैं, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपकी लव लाइफ आगे ही बढ़ रही है, असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और देखो यहाँ से ना रिट्रीट का कार्ड है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके अपने आप में खोने वाले हो, दिख रहे हो आप? यहाँ पे एंगेजमेंट, यहाँ पे हनीमून, और ब्लैक और वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप दोनों इस कनेक्शन को एक चांस देने की कोशिश करोगे, और दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्लियर मैं चीज़ें यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो ये अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यस मुझे लगता है आने वाला टाइम अच्छा जाएगा आपके कनेक्शन में। अगर आप जाते हो घूमने तो यस ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्लिस, इन्जॉय, हैप्पीनेस आपको फील होगी अपने पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ें, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप लोगों ने ऐसे एक्शन लिए तो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे डेट करने के लिए या बाहर हॉलीडेज़ पर ले जाने के लिए, तो ऐसा मुझको यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी तो यस ये पर्सन आपको 100% मिस करते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। थोड़े से कन्फ्यूज हैं, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें हील होंगी और इसका भी माइंडसेट बनेगा अच्छे से, ठीक है? चलो और कार्ड देखते हैं। या सेल्फ रिस्पेक्ट, ल्यूमिनोसिटी, जैसे आपको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, ये फीचर आपका बहुत पसंद है, और इस टाइम आप एक ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में हो राइट नाउ, लाइक आप ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करा रही है आपके पार्टनर को, और आपकी वर्थ दिख रही है आपके पर्सन को ना, कि येस यू आर वर्थी, यू आर टैलेंटेड, यू आर स्मार्ट, यू आर ब्यूटिफुल, इस तरीके से। इनर पीस, और उसको लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना कि आपके साथ पीस है, आपके साथ लाइफ है, आपके साथ ज़िंदगी है, इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं। एंड डिवाइन फेमिनिन, यस डिवाइन फेमिनिन मीन्स ये पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानने लगे हैं। वेट अ सेकेंड, और ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। गार्डन, इसको लगता है कि आप अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, पीस क्रिएट कर सकते हो, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो। तो यू आर अ पावरफुल सोल, जो आपके पर्सन को भी, आप अपने पर्सन को भी काफ़ी पीस दोगे, ठीक है? आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आपके पर्सन को, दैट इज़ वाई वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड शिवलरी, देखो आते हुए दिख रहे हैं ये मुझे आपके पास ना, ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल, देखा मैंने वर्थ की बात कर रही थी ना मैं, और ये कार्ड आ गया यहाँ पर। यस आपके पर्सन को आप में वर्थ दिख रही है, आप ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी बहुत 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 ही अच्छी है इस टाइम। तो जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो घबराने की या डरने की बात नहीं है, ये पर्सन ऑलरेडी आपको मिस कर रहे हैं, और जल्दी हो सकता है अच्छे चेंजेस भी आ जाएं। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं आपके लिए एडवाइस, शाइन, सॉरी, शेयर योर बाउंड्रीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स, मे बी यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा, आपके पास एक्स्ट्रा हो सकता है,
ठीक है, तो शेयर इट विद अदर्स। तो आप अगर आपके पास कुछ सोर्सेज एक्स्ट्रा हैं या कुछ नॉलेज अच्छी है तो वो शेयर कर सकते हो आप दूसरों के साथ, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, जो आप दोगे वो आपके पास वापस आता है। ओके, सो दिस इज़ योर एडवाइस। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। और हाँ, बिग यस है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।